प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सत्संग टॉपिक रखा है सतगुरु से प्रीत, क्या बात है जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बिल्कुल यही तो है सच्ची प्रीत। दुनिया दे सब रिश्ते झूठे, सच्चा रिश्ते दार गुरु। सत्संग जी, हम प्यार उससे करते हैं जो हमें खुशी देता है, जो हमें सुख देता है, जो हमें शांति देता है, जो हमें अच्छे रास्ते पे चलाता है। ये तो हो गई संसारिक बात। अब बात है गुरु की, कि सतगुरु से सच्ची प्रीत कैसे होती है। सत्संग जी, सतगुरु ने सबसे बड़ी कृपा की कि भगवान ने तो हमें दुनिया में भेज दिया, फिर सतगुरु का रूप लेके खुद पीछे आ गया। भगवान ही सतगुरु है, सतगुरु ही भगवान है। इस भ्रम में ना पड़े कि सतगुरु अलग है और ये निरंकार प्रभु परमात्मा अलग है, एक ही चीज है। सत्संग जी, इसने कृपा की, फिर हम जैसा रूप बना के आया, आके हमें फटाफट गोद में उठा लिया। कहा भी गया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिस गोविंदियो मिलाए। कहता मैं किसके पाए लगूं, किसको नमस्कार करूं, तो कहता भी मैं तो नमस्कार करूंगा गुरु को, कि गुरु ने ही गोविंद से मिलाया है, क्यों ना करे सच्ची प्रीत। सत्संग जी, एक इंसान घनघोर तूफान चल रहा है, बारिश हो रही है, और वो इंसान अपना रास्ता भटक गया, घूम रहा है, कभी किधर देख रहा है, कभी किधर भाग रहा है, तो अचानक एक मसीहा आता है, आके उसको रास्ता बताता है, जहां उसने जाना होता वहां उस मंजिल पे पहुंचाता है। तो सत्संग जी, वो इंसान इतना खुश होता है और उस इंसान का शुक्रिया करता है कि अरे भाई, आप ना होते तो मैं पता नहीं मेरा क्या होता, मैं भटक जाता, मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा था, और ये तूफान इतना ऊपर से। सत्संग जी, वो अपनी मंजिल पर पहुंच के भी उसका ही शुक्रिया कर रहा है, बार बार उसका ही धन्यवाद कर रहा है। क्यों सत्संग जी? क्योंकि उसको उसकी मंजिल पर पहुंचाया। यही रोल हमारे सतगुरु का है। मायावी दुनिया में आ गए हैं, भटक रहे हैं, परेशान हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, फिर सतगुरु ने आवाज दी कि आओ आओ, रब दे दर्शन कर लो, संदेशा है इंसाना नू, मुर्शद बंदे पिया बनावे मेरे जेहवाना नू। सतगुरु ने आवाज लगाई। सत्संग जी, हम सतगुरु की शरण में पहुंचे, सच्चे पाशाह ने हमें अपने निज घर की जानकारी करवा दी। क्यों ना करें सच्ची प्रीत अपने सतगुरु से, जिसने इस तूफान से निकाल के अपनी मंजिल पर खड़ा कर दिया। फिर कहते हैं ना कि अब हुन ना कोई गम और ना चिंता और ना ही कालियां रातां, अब कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी मंजिल का पता मिल गया है। आओ कृपा करो सत्संग जी। और सच्ची प्रीत सतगुरु के साथ वही होती है जब हम सतगुरु का हर एक वचन मानेंगे। सत्संग जी, हम कई बार बच्चों को भी कोई काम कहते हैं ना, तो बोलते हैं बच्चों को, सच्चा प्यार करता है ना मेरे साथ, तो मेरा कहना मानेगा ना। हम सच्चे प्यार का वास्ता दे देते हैं और बच्चे इस बात से खुश हो जाते हैं, मैं मेरे पापा मम्मी के साथ सच्चा प्यार करता हूँ, मैं मेरे मम्मी पापा का कहना मानूंगा। यही यही बात है सत्संग जी, हम सतगुरु के साथ सच्चा प्यार करते हैं तो हम हर एक वचन
सतगुरु का मानेंगे। किसी रूप में वचन आ जाए, ये नहीं भी स्वयं सतगुरु मां सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी ही हमारे सामने आके हमें बोलें, ये तो निरंकार रूप है, ये तो किसी भी घट में जाके बैठ के बोल देगी, ये वचन मानो, ये कर्म करो, तो हमने वो काम करना है। आओ रहमत करो सात संगत जी, अरदास है, हे सतगुरु सच्चे पातशाह, हमारी प्रीत सच्ची पाक पवित्र हो, कोई छल कपट ना हो। सतगुरु माता जी, ये आप जी ने कृपा करनी है, तो आओ सात संगत जी, सच्ची प्रीत निभाने के लिए हमें हर पल हर घड़ी सतगुरु के वचनों का इंतजार करते रहना चाहिए, कब वचन आए। और ये नहीं सोचना कि वचन आ रहे हैं, ये तो कई बार पता है क्या होता है सत्संग जी, दासी के साथ हुआ ऐसा, और दासी भी एक अनजान है, कई बार दासी भी कर देती है। सत्संग में बैठे होते हैं, स्टेज से सतगुरु स्वरूप महात्मा के विचार आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, दूसरे को देख के सिर हिलाने लग जाते हैं दूसरे को कहते हैं भैया तेरे लिए आ रहे हैं विचार, आओ कृपा करो, जो भी वचन आ रहा है हमारे लिए। जैसे एक बार मंसूरी में ना बॉल खेल रहे थे बाबा जी, सारे महापुरुष खेल रहे थे, तो क्या हुआ वहां पे कि सभी बोल रहे हैं कि बॉल मेरी तरफ फेंको बाबा जी, बॉल मेरी तरफ फेंको, तो वहां कवि महात्मा खड़े, उन्होंने कवि कविता बना दी कि ये तो एक खिलौना है बोल, और जो हकीकत में बोल आ रहे हैं, क्या कभी उनके बारे में सोचा है कि बाबा जी ये बोल मेरे के लिए हैं, बाबा जी ये बोल मेरे लिए हैं। आओ कृपा करो, बख्शिश करो सात संगत जी, हमने हर पल हर घड़ी सतगुरु के चरणों से जुड़े रहना है, और वचनों पर चलते हुए अपने कर्म द्वारा सतगुरु का प्रचार करना है। प्यार से बोलिए जी, धन्यवाद।